आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की MPMLA कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद MPMLA कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों पर आरोप तय हो गया है। वही बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों पर आरोप तय हो चुका है और 30 सितंबर को सुनवाई है। वही मुख्तार अंसारी आज कड़ी सुरक्षा के बीच MPMLA कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद देसी से बाहर आते हुए मुख्तार अंसारी हंसते हुए लोगों के सामने हाथ हिलाया और मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। फिलहाल गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ है। ये थाना दक्षिण ट्रस्ट संबंधित मामला था, गैंगस्टर एक्ट में उनकी पेशी थी, जिसमें आज उनके और उनके सहायकों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया जी। मुख्तार अंसारी के अलावा इसराइल थे, मोहम्मद सलीम थे और एक अधिक थे, जिनके विरुद्ध चार्ज बना अनवर शाह आजाद। आज अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चार्ज फ्रेम हुआ, आरोप विचित कर दिए गए और साक्ष्य हेतु 30/9 तारीख लगा दी गई। हाँ, मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमें अगली तिथियों पर हमारे सुरक्षा कारणों को देखते हुए, जान के खतरा को देखते हुए पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई जाए, व्यक्तिगत तौर पर न बुलाने का उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया। अगली तारीख क्या होगी? 30/9 22।